दोस्तों आइए जानते हैं कि बकलिंग क्या है और ये कैसे होती है। पहले तो जानें कि बकलिंग है क्या। आप जानते हैं कि ट्रैक सीधा जाता है, पैरेलल, दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है। जब गर्मी के कारण कोई एक रेल या दोनों रेल अपनी जगह से हिल जाती है या डिस्प्लेस हो जाती है तो उसे बकलिंग कहते हैं। और आइए देखते हैं बकलिंग होती क्यों है। सबको पता है कि हैवी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर जो भी मेटेलिक चीज़ें होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं, फैलती हैं। गर्मी पाकर लोहा फैलता है और कोई भी वस्तु जो कि मेटल की बनी है वो गर्मी में फैलती है। इसका जीता जागता उदाहरण रेलवे में देखने को मिलता है। रेल की पटरी जो कि पैरेलल बनती रहती है, दो पटरियाँ जिसे कि हम ट्रैक कहते हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो एक्सपेंशन होता है मटेरियल में, लोहे में। और एक्सपेंशन के कारण चूँकि दोनों एंड इस रेल की पटरी के बंधे होते हैं तो इसमें उनको बढ़ने की जगह नहीं मिलती, तो उस समय ट्रैक अपनी जगह से दाएं बाएं या ऊपर कहीं पर भी चला जाता है, चूँकि एक्सपेंशन को वो एडजस्ट करना है। इसी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट को हम बकलिंग कहते हैं। और ये बहुत सीवियर केस है रेलवे में माना जाता है और इससे कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से ये ट्रैक अपनी जगह से भाग जाता है, तो इसको हर ट्रैक इंजीनियर को इससे बचना चाहिए और अपने ट्रैक की सुरक्षा करनी चाहिए।